प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहाँ इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सबके सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, कई साल पहले की बात है, एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीब ही की तालाब पर नहाने पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियाँ नहा रही थी। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वो लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी है और आपकी सिपाही भी है जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे, तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूँगी। अगर आप आज मुझे जाने दे तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊँगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुँचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की ना आई तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की की और उसके बाप का कुछ ही पता ना चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो भी सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल ना हुआ। तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त की, उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी कुछ पता ना चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसने झोपड़ी डाली है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता कि अचानक उसकी आंख खुल गई, तो बादशाह समझ गया कि ये वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह अपने सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुँच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जयनमाज पर
वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वो दुआ में ये अल्फाज बोले जा रहा है कि ये पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से चुप रहेंगे जो चंद लम्हों के लुप्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है। तो बादशाह फौरन जान गया कि यह वही लड़की है जिसको वो तलाश करते करते यहाँ तक आया है। लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई है। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से अपने दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी लड़की से निकाह कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी। फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वो लड़की मलिका बन गई। तो दोस्तों, आपको यह वाक्या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रूबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनके हंसी मजाक रूबीना को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से रूबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में दो या तीन औरतें ही रही होंगी। ये देखकर रूबीना अनजानी बहस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी, इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले रूबीना को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रूबीना के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रूबीना अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। रूबीना ने धीरे से कहा, हाँ, और वो कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? रूबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो मेरे नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए रियाज ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर है। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में रुचि लेने लगी। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा, मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूँ। ये सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े, हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से रूबीना के सिर पर हाथ रख कर मुस्कुराने लगा। रूबीना रियाज को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखों में आंसू आ गई। तभी रियाज ने रूबीना से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है बल्कि मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये वाक्या आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।